दोस्तों, और एक कैप्सूल में आप लोगों को सामने वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो आप देखो, ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंस कैप्सूल 20 mg, इसका ब्रांड नेम है कैमोजोल 20। तो देखो, कैमोजोल जो ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंस कैप्सूल है 20 mg, ये ओमेप्राजोल आपका क्या होता है, ये प्रोटोन पंप, मतलब जो बॉडी में माने ब्लड में भी होता है, बट मेनली गैस्ट्रिक सिस्टम में होता है। खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, पेट में गैस बन जाता है, तो गैस कैसे निकलेगा? तो ये है ये प्रोटोन पंप सिस्टम। ये प्रोटोन ऐसे एक केमिकल है जो आपको पेट का अंदर जो गैस है वो एक सिस्टम का द्वारा इसको बाहर कर देता है। ये गैस को बाहर करने का सहाय्य करता है और गैस को होने का इनिबिट करता है, जो गैस नहीं होने देता है। तो आपको ये एक काम गया। दूसरा काम है ओमेप्राजोल आपका, जो मान लो गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, आपको इंडोस्कोपी करके आपको डॉक्टर जो बता दिया जी आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, घाव हो गया, मुंह का अंदर साला हो गया, ये गैस्ट्रिक सिस्टम का अंदर ही एंडोस्कोपी करके आपको रिजल्ट दे दिया जे पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ये कैप्सूल ओमेप्राजोल आपको कम से कम बी कॉम्प्लेक्स का साथ साथ लेना है। तो ये 1 महीने से लेकर 3 महीने तक आपको खाना है। अगर डायग्नोस कर दिया पेप्टिक अल्सर हो गया तो आपको 3 महीने तक ये ओमेप्राजोल कंटिन्यू खाना है। तो आपको वो गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर धीरे धीरे हीलिंग हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगा, रेडनेस खत्म हो जाएगा और वो गैस्ट्रिक अल्सर जो पेप्टिक अल्सर जो हुआ वो गैस माने ये मेडिसिन का द्वारा धीरे 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 ठीक हो जाएगा और आपका पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा। तभी ये कैप्सूल ओमेप्राजोल कैप्सूल आपको एक दिन लेने से साथ साथ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपको कम से कम मिनिमम 15 डेज कंटिन्यू लेना पड़ेगा। ये लेने का तरीका है, सुबह बिल्कुल सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आप लेना है। अगर क्रोनिक हो गया सुबह एक शाम को एक आप ले सकता है, लेकिन नॉर्मल जो लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना है तो डेली एक लेना है और सुबह ब्रेकफास्ट से पहले ये एक कैप्सूल डेली करने लेना है। तो आप ये कैप्सूल 15 to 3 months तक ले सकता है, इसमें कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई डाउट होता है, मेरा ये पते पर कमेंट करें और मोबाइल नंबर से बात करें। तो इसमें और कोई संशय हो, कोई भी संशय हो तो मेरे को कमेंट करके जाना और फ़ोन नंबर पर फ़ोन करें। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गैस्ट्रिक अल्सर पेप्टिक अल्सर के लिए आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ये लेने का तरीका डेली का, एक सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, मैं रिपीट से रिपीट कर दिया, आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं इसे कमेंट में लिख कर देता हूँ, वो लिखना इंडिकेशन इंस्ट्रक्शन, आपने कोई डाउट हो तो वो पढ़ लेना। धन्यवाद।